टीपू सुल्तान सिंह, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी दरबार में आप आने के लिए कष्ट करें। हाँ बाबू साहेब, कहिए महंगा। आपके महाराज जी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जाए के तुरंत उनसे भेंट कर ले। मैं महाराज से मिल लेता हूँ। तुरंत मिला ला आवा, बहुत जल्दी आवा। महाराज के चरणों में मंत्री सुल्तान सिंह का प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहो सुल्तान सिंह, मेरे राज्य का क्या हाल समाचार है? कैसा चल रहा है राज्य में? क्या हो रहा है? लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो उसकी व्यवस्था की जाए। और हमारे राज्य में अगर कोई दिक्कतें आ रही है, किसी को कोई तकलीफ है, तो उसको हमें सूचना दी जाए और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। बैठिए महाराज, मैं बताता हूँ, आप बैठिए। महाराज मैं तो कहता नहीं, लेकिन आपका साथी होने के नाते और महामंत्री होने के नाते अगर बात छिपाता हूं तो मुझसे मूर्ख कौन है? इसलिए महाराज मैं सब कुछ बताऊंगा। जिसको भाई समझते महाराज जी, वो तुम्हारे लिए ही बना का है। चल के आंखों से अपने भी खुद ही देख लो, दोनों लपटे बिछाए महाजाल। बस खबरदार हो जा महामंत्री तू, ऐसा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं। मेरा भाई ऐसा और हो सकता नहीं, फिर से अल्फाज ऐसा सुनाना नहीं। ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा भाई, मैं उसको अपने पुत्र की तरह पाला है, मैं उसे अपना बेटा समझता हूं। उस कमल के लिए मैंने आज तक एक भी संतान की चाहत नहीं की, उसके ऊपर तू ऐसा बड़ा लांछन लगा रहा है महामंत्री। आज तू मेरा दोस्त नहीं होता, मेरा महामंत्री नहीं होता, तो मैं तेरा सर कलम कर देता। आप सही कह रहे हैं महाराज, इसीलिए तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं महाराज, मुझे देखा भी तो नहीं जा रहा था महाराज, क्योंकि आप भी तो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं ना महाराज। अगर इसमें मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूं महाराज, तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं महाराज। गलती मानने से सजा माफ नहीं होगी महामंत्री। अगर तुम्हारी बात झूठ निकल गई तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा, ये बात याद रखना। महाराज, अगर मैं आपको आंखों आंख नहीं दिखा पाया तो आपको ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं महाराज, फांसी पे मैं स्वयं चढ़ जाऊंगा। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आइए महाराज, चलो आइए आइए महाराज। क्या हाल है महेंद्र? महारानी बहुत बढ़िया है, आपन बताओ आप कैसे हो? हमार का पूछा था, हम का बताए, हमार तो ठीक नहीं बा। काब है? हाँ? काब है। देखा तुम्हें बताओ ला नहीं बहु, हमें बताओ ला लाए ने? नहीं। चलो जब हमें बताओ लाए ना तो जिससे बताओ ला। देखा हाँ, हम जवन कही वह कह दे तो बड़ा बढ़िया है। आप आदेश करे का करे के बा, का कहे के बा, हम तुरंत कह दे। देखा महेंद्र, हाँ हमारे देवर के बुलावा बुलावा कि भैया आपके भाभी
कमरे में इंतजार कर रही हैं। आप आइए, आपसे कुछ बातचीत करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, का मतलब जोन भैया पढ़ाई गए रहे? हाँ वो, हाँ वो आए गए। आए गए बोलावे का, तब तक बोला वही करब। देखा जब से हम देखित नहीं ना, तो हमारे से जिये चन्न मन हो जा। चन्न मन? हाँ वो, बुलावा तू जल्दी से। हाँ कमल भैया, अगर घरे आ गए, अगर हमारा आवाज सुनत हो तो आप तुरंत चलाओ। महारानी आपका इंतजार करते हैं। अब लिख के भारत के संविधान, अब लिख के भारत के संविधान, मोर बाबा साहब भइले सपने। गरीबों के लिए मसीहा भारत के संविधान को नया आयाम देने वाले आधुनिक भारत के जनक बाबा साहब, भारतीय संविधान को लिखने के बाद जब 1965 को इस दुनिया को मधुमेह की बीमारी के कारण छोड़ के जब गए, तो सारा दुनिया शोक में डूब गया। पर्चे के विषय में बताया जा रहा है, राम के दुलारे भीमा माई के ललनवा, राम के दुलारे भीमा माई के ललनवा, संविधान कहे भैला सपनवा, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर महू नामक स्थान में बाबा साहब का जन्म 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल के दिन हुआ, जिस महू गांव को इस समय अंबेडकर नाम से जाना जाता है, अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। राम के दुलारे भीमा माई के ललनवा, लिख के संविधान ने बाबा भइले सपनवा, लिख के अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी भारत में, बाद में भारत को गुलाम बना दिया, अपने देश को गुलाम बना दिया। क्रांतिकारी मंगल पांडे ने देश की आजादी के लिए आंदोलन छेड़ दिया, तमाम शहीद हो गए, चंद्रशेखर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव,
लक्ष्मीबाई को कौन बुला सकता है, लेकिन जब देश को आजाद होने की बारी आई तक गुरुजी ने कहा देश को चलाओगे कैसे, कोई संविधान लिख करके बताओ। आखिरकार सभी नेताओं ने आग्रह किया तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख दिया। 1947 में जब भारत सजा संविधान ने लिखा सब ही कैले फरियाद हो, अब लिख के भारत के संविधान मेरे बाबा साहब मिले सपन गीत की अंतिम लाइन में कहना है, भारत में इस तरह के छुआछूत की भेदभावना थी जिसका कोई जवाब नहीं था, बड़ा अपमान हुआ करता था छोटी जातियों का। तटस्थ रहे बाबा साहब ने संविधान में लिख डाला कि सभी लोग एक बराबर है, सभी समान है, सभी को समाज में जीने का बराबर का अधिकार है, आज के बाद कोई भेदभाव की भावना नहीं रख सकता। कानूनी तौर पर उन्होंने सबको समान अधिकार दे दिया, अर्थात मत देने का अधिकार दिया, मतदान करने का अधिकार दिया कि सबका उतना ही अधिकार होगा, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो, वोट की कीमत उतनी ही होती है चाहे जितना बड़ा आदमी हो चाहे जितना छोटा आदमी हो। आरक्षण दे दिया कि गरीबों के लिए आरक्षण चाहिए, पढ़ने लिखने में कमजोर है, आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिलेंगी, विकास होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, और उसी का रिजल्ट आपके सामने एक नदी देख लीजिए। छुआछूत भेदभाव चाहता हूं कि आप ही जाग जाइए, जागरूक हो जाइए, जान जाइए कि हमारा अधिकार क्या है। इस बात में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, समाज में बदलाव आया उसकी देन बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान का ही प्रताप है जिसके माध्यम से आज हमें समान अधिकार मिलता है। छुआछूत राजेंद्र सरोज ये सरजू पट्टी के धरती से हैं और ये बाबा साहब के गीत पर खुश होकर के हमारे राजेश व्यास जी को ये 100 रुपये का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कहा जाता है कि बाबा साहब को मधुमेह की बीमारी हो गई थी, मास्टर साहब धीरे धीरे मधुमेह की बीमारी होने के कारण वे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर सविता नामक डॉक्टर उनकी देखरेख किया करते थे, और कुछ समय बीतने के बाद बाबा साहब ने अपना दूसरा विवाह भी सविता से किया जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती थी। आखिर समय व्यतीत हुआ, मधुमेह की बीमारी इतनी बढ़ी कि आखिर इस दुनिया को बाबा साहब छोड़ करके चले गए, सारा संसार शोक सिंध में डूब गया। ओ राजेश व्यास तुमको श्रद्धांजलि चढ़ाए बाबा, दलितन गरीबा मन के आरक्षण दिलाए बाबा, लिख के भारत